हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये चित्र देख रहे हैं कितने ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, देख के दिल खुश हो जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम, इधर ये और इधर ये, देख रहे हैं आप, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं फ्लावर्स इनके। ये इधर इधर देखिए, ये तो आज देखिए मेरे गार्डन का ओवरव्यू, और ये देखिए इधर इधर ये सदाबहार, बिल्कुल ये लास्ट ईयर का मेरा प्लांट है। ये खिल के बंद हो गई, मॉर्निंग ग्लोरी है वाइट वाली। और ये देखिए लैंटाना कितने अच्छे से खिल रहा है, पूरा भरा हुआ है। इस समय ऐसा लग रहा है जैसे बसंत ऋतु बिल्कुल पूरे शबाब पे है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं फ्लावर्स इनके। और इधर ये सदाबहार, इधर ये पिटूनिया, इधर ये पिटूनिया भी गजब ढा रही है। इधर सदाबहार बिल्कुल गदर कर रहे हैं। ये समर पिटूनिया बहुत अच्छे से अभी खिल रहा है। ये हॉलीहॉक आज पानी नहीं लगाया है, तो प्लांट की हालत देखो कैसी हो रही है, सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। इधर ये भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। इधर ये सदाबहार देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत खूबसूरत कलर है ये, लाइट पर्पल है। इधर गजानिया ये कुछ बंद हो रहे हैं, कुछ ये अभी थोड़े से खिले हुए हैं। इधर ये है हॉलीहॉक भी बहुत गदर कर रहा है, देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका व्यू देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, दूर से देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत तेज़ी से ब्लूम पे है, पर गर्मी अब पड़ने लगी है तो ये सूख भी जा रहे हैं। देखिए ये बहुत जल्दी सूख भी रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है। इधर हिबिस्किस भी, इधर पिटूनिया, देख रहे हैं आप ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। इधर हिबिस्किस देखो, ये काफ़ी बड़े बड़े फूल हो रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं। और इधर ये हिबिस्किस और येलो वाला भी खूब खिल रहा है, कई फूल खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और डहलिया कुछ ख़राब होने लगे हैं, तो कुछ को मैं निकाल दूंगी, कुछ प्लांट ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, जो सही है उन्हें रहने दूंगी, जो ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं उन्हें निकालती जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे गमलों की भी ज़रूरत पड़ रही है। मेरी सीडलिंग तैयार हो गई है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इन्हें निकालना भी पड़ेगा। अभी सीड भी कलेक्ट करने हैं बहुत ढेर सारे, तो वो भी देखने पड़ेंगे, इनके सीड कलेक्ट करने हैं, इसके क्रिसैंथेमम के, और इधर इनके भी करने हैं, इधर इसके करने हैं, ये आइस प्लांट के। अभी देखिए आज ये धूप इधर लगी है बहुत तेज़, और ये बिल्कुल मुरझा गया है सनफ्लावर। सैंडी सॉइल ज़्यादा है तो दिक्कत कर रहे हैं प्लांट को, पानी नहीं दिया है। मेरा मन नहीं हुआ आने का, सुबह से मैं आई भी नहीं हूँ, अब आई हूँ। और ये देखिए ये भी खिलने लगी है, टिकोमा, पिंक टिकोमा, ये भी खिलने लगी है। अब इसमें भी कलियाँ खूब आने लगी हैं, देखो आप ये है। ये अभी बीच में दो दिन पानी नहीं लगा और आज भी नहीं लगा, तो इनकी कंडीशन बिल्कुल मुरझा गई, बिल्कुल बेकार हो रहे हैं ये फ्लावर्स। तो अब डहलिया को हटाने का टाइम आ गया है, फ्लावर्स छोटे हो रहे हैं और बहुत जल्दी सूख भी रहे हैं। जब इनका सीज़न होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा फूल काफ़ी टाइम तक खिले भी रहते हैं, पर अब इनका सीज़न ऑफ हो रहा है तो ये बहुत जल्दी सूख रहे हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ पड़ रही है। और इधर देखिए ये पिटूनिया बहुत तेज़ी से, पूरी ये सिर्फ ये पूरा एक प्लांट भरा हुआ है, इसमें भी पानी नहीं है, तो पत्ते मुरझा गए हैं। और ये देखिए कैलिफोर्निया पॉपी भी अब जाने लगा, इसके सीड भी मैं कलेक्ट नहीं कर पाई हूँ। चलो देखती हूँ, कुछ मेरे लायक हो जाएंगे तो मैं रखूँगी अपने लिए। ये कुछ एक आध फलियाँ बन रही हैं। इधर कॉस्मोस है, ये देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। वो देखिए पिटूनिया मैक्सिकन, और जो समर वाली पिटूनिया होती है ना, वो आप छोटे 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 पॉट में लगा सकते हैं और इजीली ये चल जाती हैं। देखिए इनके सीड पॉट भी तैयार होने लगे हैं इस तरह से, तो इनके सीड भी इकट्ठे करते रहेंगे। इधर पॉपी के सीड भी तैयार हो रहे हैं, तो बहुत काम फैल रहा है, अब काम ही काम है हमारे यहाँ गार्डन में। तो सभी के सीड भी रखने हैं, इधर रिपोर्टिंग भी करनी है प्लांट की, तो गार्डन के काम है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो ये देखिए, और इधर ये भी थोड़ी सी गर्मी के असर इन पे दिखने लगा है, ये डेमोकोर्टिका के, इसके भी सीड नहीं मिले मुझे बिल्कुल भी अभी, मैं देखती हूँ एक दो मिल जाए तो ठीक है। और ये देखिए इसके भी अभी सीड इकट्ठे करने हुए कैंडिटफ के। ये पिटूनिया काफ़ी अच्छे से चल रही है, देखिए काफ़ी बड़ी हो जाती है पिटूनिया। और ये देखो ये भी मुरझा गया है, आज पानी नहीं मिला है, तो अभी पानी डाल देती हूँ मैं इसमें, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। एमएल लिली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी ना मिले मिल जाए तो खुश, ना मिले तो खुश, बस फूल जल्दी सूख जाते हैं पानी नहीं मिलता है तो। इधर ये देखो ये पिटूनिया तो खूब खिल रही है, मुस्कुरा रही है,
समर पिटूनिया है, तो ये आराम से खिलती है। ये टमाटर मैंने कल काफ़ी हार्वेस्ट किए थे, अब कल फिर करूँगी। ये देखिए इधर कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तो अब मुझे जीनिया वगैरह कुछ तो मैंने ये रिपोर्ट कर दिए थे, कुछ मुझे रिपोर्टिंग के लिए पॉट चाहिए, तो अब मैं इन्हें खाली करने की सोच रही हूँ। इधर ये भी काफ़ी अच्छे से खिल गई है, ये बिल्कुल मुरझा गई थी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। इधर ये देखिए ये भी खिल रहा है अच्छे से, ये देखिए तो काफ़ी अच्छे से फ्लावर हो रहे हैं मेरे गार्डन में, बहुत फूल खिल रहे हैं, बढ़िया लग रहा है देख के। बस थोड़ा सा मुझे अब इन्हें चेंज करना होगा। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज है, ये ऐसा लग रहा है लेमन येलो है लहराडिया का। तो आज ही पानी नहीं दिया, मन नहीं था आने को, तो सब पौधे देखिए सूख रहे हैं। एक दिन पानी ना दो तो सूखने लगते हैं। अब मौसम गया कि आप प्लांट को छोड़ के चले जाएं, ऐसा मत कीजिएगा। अब आपके प्लांट अकेले नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं प्लांट। ये देखिए ये भी हमें ले ली इधर के लिए, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो एक शेड ये खिला है देखिए डहलिया का, ये कल खिला था पर मैं वीडियो नहीं बना पाई ना फ़ोटो ले पाई इसका। तो अब इसमें एक ये फूल खिला है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं। और इधर इनमें सब में आज ड्राई हो गए हैं, पानी नहीं लगाया है तो सब ड्राई होने लगी है। इधर नशियम ये देखिए, इधर कैलेंडुला भी थोड़े से फैलने लगे हैं बुरी तरह से, क्योंकि इनके अब मैं सीड भी कलेक्ट करूँगी तो वो भी टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। ये सब रोज़ आज धूप लगी है बहुत तेज़, तो ये सब सूख रहे हैं, आज पानी नहीं लगाया, पानी नहीं लगाएंगे तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं रोज़ भी। ये देखिए हैं टहनियाँ मुरझा गई बिल्कुल, ये फ्लॉक्स अभी खिल रहे हैं अच्छे से, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये भी खिला था कल खिला था, ये मैंने देखा था परसों खिला था, अभी भी खिल ही रहा है। ये पेपर फ्लावर ये भी खिलने लगे हैं, काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं अभी। देखिए ये काफ़ी बढ़िया खिल रहे हैं पेपर फ्लावर। और इधर ये सब ये देखिए रोज़, ये देखो आप कितने अच्छे से चल रहे हैं, देखिए रोज़ सारे कितने बढ़िया खिल रहे हैं, है ना। बस पानी आज नहीं लगाया तो पानी अब डेली लगाने के दिन आ गया है, डेली पानी लगाइए तभी आपके प्लांट चलेंगे, वरना नहीं चल पाएंगे, सूख जाएंगे। एक ही दिन में प्लांट ड्राई हो रहा है, करी पत्ता बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी बूशी हो गया, देखिए कितना घना हो गया, कितना फैल गया यहाँ से वहाँ तक पूरे में फैल गया। ये इनके सीड पॉट हैं, ये इन्हें मैं ये बीज हैं जो इनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बार बार सीड की हमें ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास पिछले साल के ही ऑलरेडी पहले जो फरवरी मार्च में हुए थे तो वो मेरे पास बहुत है, वो नवंबर दिसंबर में काफ़ी सीड हुए थे तो वो मेरे पास काफ़ी हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इनके सीड को कट कर दे रही हूँ। ये मेरे रह गए हैं, वैसे मैं कट कर देती हूँ बराबर, और अब काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया, देखिए कितना बड़ा हो गया ये यहाँ से वहाँ तक, तो बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है। तो और इधर देखिए रोज़ खूब खिल रहे हैं, खूब ढेर सारे खिल रहे हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट हो रहे हैं ये मेरे। गजानिया वगैरह भी खिलने लगे जो सीड से ग्रो किए हुए थे, वो भी खिलने लगे हैं। देखिए एक ये खिला था, एक इधर ये छुप बंद हो गया ये खिला था, और एक ये सीड ग्रोन है, इधर ये सीड ग्रोन है, इधर ये सीड ग्रोन है, तो ये सीड से ग्रो किए हुए काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं गजानिया। और ये डूनिया है, ये भी सीड से ग्रो की हुई थी, ये भी खिल रही है, नीचे के तो सभी सूख गए मेरे, बस अब ये चल रहे हैं अच्छे से। ये इसमें पानी नहीं पड़ा तो ये मुरझा गया है, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई इसकी, इसमें पता नहीं ये क्या लग गई है, अमर बेल है, बिल्कुल छोड़ नहीं रही है पीछा। और इधर मेरे गुलाब में भी लग गई थी, उस ब्रांच को कट करना पड़ेगा वरना बार बार निकल जाएगी और प्लांट ख़त्म कर देगी। ये देखिए इस वाले गुलाब में भी लग गई थी, तो अमर बेल है ये अपने आप ही चिपक जाती है अपना खाना लेने के लिए और प्लांट को ख़त्म कर देती है, तो ये अमर बेल इसमें लग गई है। ये देखिए ये अभी भी चिपकी पड़ी है अमर बेल इससे, मैं कई बार निकाल चुकी हूँ, फिर से फैल जाती है। अब मैं एक बार बैठ के ठीक से आराम से काम करूँगी इस पर, वैसे निकाली तो कई बार है। ये हिबिस्किस ये खिला था पिंक कलर का कल खिला था, तो इधर ये देखिए ये कितने अच्छे से खिल रहा है, एक ये भी पिंक की है, और ये इधर ये वाइट और पिंक है मिक्स, इधर प्योर वाइट है, इसमें हल्की सी शेड है, ये ऑरेंज है, ये मल्टीपेटल ऑरेंज है, पता नहीं ऐसे क्यों हो गए हैं। इधर ये वाला है, ये पिंक है, तो ये अब काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। अब धूप की वजह से मुरझा भी रहे हैं, तो अब पानी देना ज़रूरी है, मस्ट है पानी देना, डेली पानी सुबह में ज़रूर दीजिएगा। मैं आलस कर गई आज,
आलस के मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी फीवर टाइप का हो रहा था तो मैं नहीं आ पाई, मन भी नहीं हुआ आने का, तो इस चक्कर में इनकी हालत ख़राब हो गई। और इधर ये देसी रोज़ भी देखिए कितनी बुरी तरह से ड्राई हो गए हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं अभी प्लांट, तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़रूरी है पानी देना प्लांट को, वरना आपके प्लांट बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, सब सूख जाएंगे। और प्लांट को सटा सटा के रखिएगा। ये नस्टेशियम देखिएगा कितना खिल रहा है, भर के ये फूल आए हुए इसमें, अब ये जा रहा है तो बहुत ज़्यादा फूल दे रहा है, एकदम से भरा हुआ है बिल्कुल। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये नस्टेशियम, पूरा एकदम गोल गोल गुम्बद टाइप का हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये मेरे गार्डन का ओवरव्यू था। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।